Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel. On the name is Manjat and subscribe to keep in contact. आज हम University of Health Science की merit list के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम merit prediction करेंगे. जैसे कि UHS ने कल 6th merit list upload की थी for private sector medical colleges of Punjab. तो हम बात करेंगे 6th merit list में merit क्या था, merit कहाँ तक decrease हुआ, next list में merit कहाँ तक decrease हो सकता है. इस चीज को हम discuss करेंगे आज की इस वीडियो में. इस तरह से पब्लिक सेक्टर की मेरिट लिस्ट, जैसे कि UHS ने कल 5th मेरिट लिस्ट अपलोड की थी पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज ऑफ पंजाब, इसकी 6th मेरिट लिस्ट क्या होगी, इसको हम डिस्कस करेंगे और मेरिट की प्रेडिक्शन करेंगे. और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि तालिबान में बार बार पूछ रहे हैं कि सारे UHS के अंदर कितनी मजीद लिस्ट लग सकती हैं, और उसके ऊपर बात करेंगे. जैसे कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ये सेकेंड लास्ट है, इसके बाद सिर्फ एक लिस्ट है, उन्होंने फाइनल कर दिया. जबकि UHS के अंदर क्या कितनी लिस्ट लगेंगी, इसके ऊपर बात करेंगे. UHS के अंदर 6 लगेंगी, 7 लगेंगी, कब तक लगती रहेंगी, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. हम सबसे पहले बात करते हैं मेरिट प्रेडिक्शन फॉर ओपन मेरिट BDS सीट. BDS में नेक्स्ट लिस्ट में कहां तक मेरिट डिक्रीज हो सकता है. 5th लिस्ट में BDS का जो सा लोवेस्ट मेरिट था वो था 74.1364, और इसमें काफ़ी ज़्यादा 122 अप्रॉक्सीमेटली 122 ऐसे तालबिलम थे जो कि अपग्रेड हुए थे. एक तो वो जो कि वेटिंग लिस्ट से आए हैं, दूसरे वो जो कि अपने ऑलरेडी एडमिशन लेकर मेडिकल कॉलेज से अपग्रेड होकर अपने मेरिट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दूसरे मेडिकल कॉलेज में जा चुके हैं. सो BDS में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि न्यू आए हैं फ्राम द वेटिंग लिस्ट वह 279. ओवरऑल जो मेरिट डिक्रीज हुआ है इन 5th मेरिट लिस्ट वो है 1.2045. सो 279 तालबिलम ऐसे हैं जिन्होंने 4th लिस्ट में नेम आने के बावजूद अपनी फीस सबमिट नहीं की और उनकी सीट वेकेंट रही. उनके ऊपर न्यू 279 स्टूडेंट आकर एडमिशन लेने के लिए अब वेटिंग लिस्ट में नेम आ गया. इनमें से भी बेशुमार ऐसे होंगे जो कि एडमिशन नहीं लेंगे और उनकी जगह 6th लिस्ट में स्टूडेंट कवर करेंगे. सो ओवरऑल डिक्रीज इन मेरिट आफ्टर 5th मेरिट लिस्ट वो है 1.2045. अगर नेक्स्ट लिस्ट में भी मेरिट इसी तरह डिक्रीज होता है, जो मैक्सिमम डिक्रीज इन मेरिट है आफ्टर 6th मेरिट लिस्ट वो होगा 72.9319. सो ओवरऑल डिक्रीज इन मेरिट था 1.2045. इसे हम सब्जेक्ट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो नेक्स्ट जो 6th मेरिट लिस्ट है UHS की ओपन मेरिट BDS फॉर प्राइवेट सेक्टर डेंटल कॉलेज ऑफ पंजाब वो मेरिट आता है 72.9319. अब हम बात करते हैं 5th मेरिट लिस्ट ऑफ ओपन मेरिट MBBS सीट फॉर पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज ऑफ पंजाब. इसमें 56 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अपने डिफरेंट मेडिकल कॉलेज से अपग्रेड होकर दूसरे मेडिकल कॉलेज में चले लगे हैं अपने मेरिट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग. जैसे डी डी खान से अपग्रेड होकर नवाज शरीफ में, शेख जैद में, रहीमियर खान में. सो अपग्रेडेशन अभी तक जारी है और पब्लिक सेक्टर में 56 स्टूडेंट 5th लिस्ट में अपग्रेड हो चुके हैं. और इसमें जो सा लोवेस्ट मेरिट है वो है 91.4545. सो पब्लिक सेक्टर की 5th लिस्ट में जो लोवेस्ट मेरिट है वो है 91.4545. अब हम मेरिट प्रेडिक्शन करते हैं 6th लिस्ट में इसका मेरिट कहां तक डिक्रीज हो सकता है. सो मेरिट प्रेडिक्शन ऑफ MBBS 6th मेरिट लिस्ट फॉर पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज ऑफ पंजाब, ऐसे स्टूडेंट जो कि न्यू वेटिंग लिस्ट हैं वो है 31. ओवरऑल जो मेरिट डिक्रीज हुआ है वो है 0.0228. जबकि मेरिट डिक्रीज अगर इसी तरह से नेक्स्ट लिस्ट में मेरिट डिक्रीज होता है, जैसे कि अभी काफ़ी तलबा की अभी कन्फ्यूजन है, कुछ शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू FMDC में एडमिशन लेना चाहते हैं क्योंकि उनका एरिया FMDC है. अब वो कभी भी FMDC को छोड़कर या रहीमियर खान में, डी डी खान में कभी भी नहीं आएंगे, तो इस वजह से अभी चांसेज हैं मेरिट डिक्रीज होने के, तालबिल में शिफ्ट हो रहे हैं. तो ओवरऑल जो डिक्रीज मेरिट है आफ्टर 5th लिस्ट वो है 0.0228. अगर इसी तरह से मेरिट डिक्रीज होता है तो नेक्स्ट लिस्ट में जो ओवरऑल डिक्रीज इन मेरिट है वो आएगा 91.4317. ये मैक्सिमम डिक्रीज इन मेरिट है जो कि 6th लिस्ट में पॉसिबल है, इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन वो रेयर है क्योंकि फिर भी क्योंकि तालिबे जाते हैं शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू जाएंगे या कहीं किसी और में जाएंगे और UHS के कॉलेज को छोड़ के जाते हैं, उनकी सीट वेकेंट होती है, नीचे से तालब इलम आकर वेटिंग लिस्ट से उसे कवर करते हैं और इसी तरह से मेरिट डिक्रीज होता है. अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की मेरिट लिस्ट के ऊपर, उसका मेरिट कहां तक डिक्रीज हो सकता है. प्राइवेट सेक्टर के 6th मेरिट लिस्ट में ओवरऑल 136 ऐसे तालब इलम हैं जो कि अपग्रेड हुए हैं.
वो अपने मेडिकल कॉलेज में जहाँ उनका फिफ्थ लिस्ट में इससे पहले एडमिशन हुआ था वहाँ से अपग्रेड होकर दूसरे मेडिकल कॉलेज में चले गए हैं अपने मेरिट के अकॉर्डिंग, या फिर जिन कॉलेज को उन्होंने प्रेफरेंस में रखा था उनमें उनका मेरिट बन गया और वो वहाँ अपग्रेड हो गए। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में जो लोवेस्ट मेरिट है आफ्टर सिक्स्थ मेरिट लिस्ट वो है 78.5455 जो कि पार्क रेड क्रिसेंट मेडिकल कॉलेज लाहौर का है। यह लोवेस्ट मेरिट आफ्टर सिक्स्थ मेरिट लिस्ट। अब हम बात करते हैं इसकी मेरिट प्रोडिक्शन कि सेवन्थ मेरिट लिस्ट में UHS प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज ऑफ पंजाब का मेरिट कहाँ तक डिक्रीज हो सकता है। सो सेवन्थ मेरिट लिस्ट की प्रोडिक्शन करते हैं। सिक्स्थ मेरिट लिस्ट में जो स्टूडेंट अपग्रेड हुए हैं वो हैं 136। ऐसे तालब इलम जो कि वेटिंग लिस्ट से आए हैं वो हैं 178। यानी 178 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका फिफ्थ लिस्ट में नेम आया लेकिन उन्होंने फीस सबमिट करके अपनी फी अपनी सीट सिक्योर नहीं की, वो वेकेंट रहने दी और वेटिंग लिस्ट से न्यू तालब इलम 178 न्यू स्टूडेंट आकर उनकी सीट को कवर करने के लिए इनका नेम आ गया। इनमें भी बेशुमार ऐसे होंगे जो कि कवर करेंगे सीट को फीस सबमिट करके जो कि, और कुछ ऐसे होंगे बेशुमार जो कि वेकेंट छोड़ देंगे और उनकी सीट को कवर करने के लिए नीचे से न्यू तालब इलम आएंगे और इसी तरह से प्रोसेस चलता रहता है। सो इस लिस्ट में सिक्स लिस्ट में जो ओवरऑल डिक्रीज इन मेरिट है वो है 0.3636। अगर इसी तरह से मेरिट डिक्रीज होता है तो सेवन्थ मेरिट लिस्ट में जो मैक्सिमम डिक्रीज इन मेरिट है वो देखने को मिलता है 78.1819। सो ये है ओवरऑल डिक्रीज इन मेरिट जो कि सेवन्थ मेरिट लिस्ट में पॉसिबल है 78.1819। सो स्टूडेंट ये थी लेटेस्ट UHS मेरिट लिस्ट और उसमें नेक्स्ट मेरिट लिस्ट क्या होगी उसको प्रेडिक्ट किया। होप यू बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।